मैं सनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दिखा दिखा के बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन कराची का सिंध का कोई इदारा जो है वो एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ये हाल है सैवरेज का यहाँ पे। लोगों ये तो खैर स्विमिंग पूल है, ये तो लग्जरी है, लोगों के घरों का ये हाल है। लोगों के घरों के टैंक्स में इस तरह पानी आ रहा है, लेकिन कोई इस पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है। MNA सैफ़ रहमान साहब कोशिशों में लगे हुए हैं कि कोई एक्शन ले ले, लेकिन एक MNA की सुनता कौन है यहाँ पे। हमारी रिक्वेस्ट है सिंध के तमाम इदारों से कि इस मामले को देखें, और सिर्फ देखें नहीं, जल्द अज जल्द इस पर एक्शन लें। कब्ज़ा माफिया, सेवरेज, लाइन वाटर, कौन सा ऐसा मसला है नहीं है जो यहाँ पे ना हो। कंप्लेंट कर करके थक गए हैं, वीडियोस बना बना के थक गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे कमेंट्स कर करके थक गए हैं। किसके पास जाएं, किसको कहें। ये सारा पानी आप देख सकते हैं, ये ज़मीन से पानी निकल रहा है। इसमें लाइन वाटर भी है, सेवरेज वाटर भी है। कौन लेगा एक्शन इस पर। पिछले कुछ दिनों पहले जो है एक औरत एक दीवार गिरने की वजह से इंतकाल कर गई, इस सेवरेज वाटर की वजह से। बड़ा मेहरबानी, एक्शन लें इस पर, वरना कराची वालों का पैसा, प्रॉपर्टियां, जानें इसी तरह ज़ाया होती रहेंगी जैसे 1947 से आज तक ज़ाया होती आई हैं। कराची को उसका हक दो, और जो इदारे हक नहीं दे सकते कराची वालों को उनका, तो प्लीज़ रिज़ाइन करें। और जिनको हमने कराची के नाम पर वोट दिए है वो भी ज़रा इस चीज़ को देख लें। कब्ज़ा माफिया ने बेड़ा गर्क किया हुआ है पानी के, वाटर ने वाटर बोर्ड वालों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ज़रा एक्शन ले लें इस पर। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इदारों में ज़रा सा कुछ हरकत तो खैर नहीं आएगी, जूँ रेंज है। बहुत शुक्रिया।